एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने कैंसर से पीड़ित एक महिला का सफलतापूर्वक इलाज कर उसे स्वस्थ किया है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पूर्णतया ठीक होने के उपरांत गुरुवार को महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। विभिन्न बीमारियों और दुर्घटनाओं में पीड़ितों को स्वस्थ कर अपनी उपलब्धि का लोहा मनवा चुके एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ी है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने मुंह और गले के कैंसर से बुरी तरह से ग्रसित बालोद निवासी गंगाबाई का सफलतापूर्वक इलाज कर उसे नया जीवन प्रदान किया है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में महिला का परीक्षण कर कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उसका उपचार आरंभ किया। डॉक्टरों की निगरानी में लगातार चले इलाज के उपरांत महिला अब पूर्णतया स्वस्थ हो चुकी है। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने बताया कि 180 बिस्तरों से युक्त अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सेवाएं देने के साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत बने कार्डों से मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल दुर्ग जिले का 180 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। एक मरीज जिसका नाम गंगा भाई भट्ट, यह महिला मरीज हमारे पास में कैंसर के रोग से ग्रसित होकर आई, जिसमें गले में और मुंह के हिस्से में कैंसर से यह महिला ग्रसित थी। उसकी जांच कराई गई, उसका बायोप्सी रिपोर्ट लिया गया तो उसे कैंसर निकला। फिर इस मरीज का इलाज एसआर हॉस्पिटल में हमारे कैंसर के जो डॉक्टर हैं और जनरल सर्जन और ऑपरेशन थिएटर की समस्त टीम के द्वारा किया गया। बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन था, मरीज की आज छुट्टी हो रही है। मरीज आज स्वस्थ होकर जा रहा है और आगे मरीज को कीमोथेरेपी की जरूरत लगेगी तो एसआर हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। इस मरीज का जो इलाज है आयुष्मान भारत योजना, PMJAY एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत किया गया है। मैं समस्त क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा, राज्य सरकार की एवं केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य सहायता योजना है APL कार्ड धारक BPL कार्ड धारक के लिए 50,000 से लेकर 5,00,000 तक, क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपना अपने परिवार का आयुष्मान भारत कार्ड अवश्य बनवाएं। ऐसा हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी की सुविधा, कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है? ऐसा हॉस्पिटल में कैंसर के ऑपरेशन की सुविधा, साथ में कैंसर के मरीजों को लगने वाले ऑपरेशन के पहले एवं ऑपरेशन के बाद में कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों? क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता जिनके पास APL कार्ड राशन कार्ड है, जिनके पास BPL राशन कार्ड है, वह अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनाए। हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाता है। अस्पताल के नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर विजय गावंडे एवं सिरिन संत ने कैंसर पीड़ित के उपचार को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं श्रीमती सिरिन संत एसआर हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और हमारे हॉस्पिटल में 30/9/22 को एक पेशेंट एडमिट हुई गंगाबाई, जिसे चीक में स्वेलिंग थी और विभिन्न जांचों के बाद और उसको चबाने में भी तकलीफ थी। विभिन्न जांचों के बाद पाया गया कि उसे कैंसर है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है और उसके लिए हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसका एक सफल ऑपरेशन 2/10 को उसका एक सफल ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेस रहा। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल से उसे कीमोथेरेपी भी दिया गया। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर कोई भी ऐसे पेशेंट हो जिसे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो कृपया हमारे एसआर हॉस्पिटल में आए और हमें आपके सहयोग का मौका दें। धन्यवाद। अंत में मैं आपसे सबसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे हॉस्पिटल में आए और हमें सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय गावंडे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर एसआर हॉस्पिटल चिखली। हमारे यहाँ पिछले दिनों में गंगाबाई नामक मरीज जो कि 49 साल की लेडी थी, जिसे करीब करीब 9-2 महीने से
चबाने में तकलीफ हो रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी और ऐसे नौ महीने से उसको स्वेलिंग था लेफ्ट साइड, चेहरे के लेफ्ट साइड में स्वेलिंग था, सूजन थी। इस कंप्लेंट के साथ वो हमारे हॉस्पिटल में 30 सितंबर को उसे एडमिट किया गया, जिसके बाद हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों द्वारा उसकी जांच की गई। विभिन्न तरीके से विभिन्न जांचों के बाद पाया गया कि उसके मुंह में कैंसर की गांठ है। और ये सब होने के बाद हमारे कैंसर सर्जन जो एक्सपर्ट कैंसर सर्जन और एनेस्थेटिस्ट और ओटी टीम ने एक प्लान बना के 2 तारीख को उसका ऑपरेशन किया गया, जो कि अत्यंत सफल रहा। और ये बताने में हमें बहुत खुशी हो रही कि आज वो पूरी तरह से स्वस्थ होके अपने घर वापस जा रही है। मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा हॉस्पिटल चिखली में हमारे यहाँ कैंसर सर्जन्स की टीम है, साथ ही साथ एनेस्थेटिस्ट है, मॉड्यूलर ओटी है और कीमोथेरेपी की भी सुविधा दी जाती है। सो मैं यहाँ की जनता से अनुरोध करता हूँ कि अगर किसी को भी इस तरीके की कोई भी तकलीफ है तो हेजिटेट ना करें, शर्म ना करें, आए और अपने मरीज की जांच करवाएं ताकि उसका समय अनुसार इलाज होने पाए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपकी सेवा में एसआर हॉस्पिटल चिखली सदैव तत्पर है। धन्यवाद। कैंसर पीड़ित महिला मरीज की बेटी ने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, मैं एसआर हॉस्पिटल से हूँ। मेरी माँ को माउथ कैंसर हो गया था। गंगाबाई भाट नाम है, हम लोग बालोद जिला से आए हैं। उनका यहाँ पे अच्छे से इलाज हुआ है और हम इलाज से खुश हुए हैं और आज हम लोगों का डिस्चार्ज है तो जा रहे हैं। हमारी माँ ठीक हो गई है। गौरतलब है कि कैंसर पीड़िता को एसआर हॉस्पिटल चिखली लाने के पूर्व उसके परिजन अन्य अस्पतालों में लेकर गए हुए थे, जहां डॉक्टरों द्वारा इलाज में असमर्थता जाहिर करने पर परिजन उसे एसआर हॉस्पिटल चिखली लेकर पहुंचे थे। यहां डॉक्टरों ने उपचार कर महिला को स्वस्थ किया। अन्य बीमारियों के साथ कैंसर के मरीजों के लिए अस्पताल वरदान साबित हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।